बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज़ बेग और आज हम साबिक एमपीए चौधरी नदीम खादम जो सालार लश्कर हैं मुस्लिम लीग नून ज़िला जेलम के, उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद है और मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट चौधरी रियाज गोंदल साहब भी मौजूद है। पैनल इंटरव्यू चौधरी नदीम खादम से शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इतवार वाले दिन इमरान खान आ रहे हैं जेल में और एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की अफवाह है और आज हम उसकी तस्दीक या तरदीद भी चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि गरमाला ख़ानदान जो है वो पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरे ख़ानदान का मुस्लिम लीग नून के साथ जो तल्लक है वो मेरा नहीं है। मेरे वालदे मोहतरम, अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी करे, उनको सेहत अता फरमाए, अभी भी वो हयात हैं और वो घर बैठे हुए हैं और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बड़े अच्छे साथी हैं, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के 85 से साथी हैं। तो मुझे तो ये जमात जो है वरासत में मिली है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो मेरी सियासी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो मैं ये नहीं समझता कि वो पीटीआई के लोग हैं, जो मुस्लिम लीग के ही वो गंदे अंडे हैं जो कभी वर्कर ग्रुप के नाम पर सामने आ जाते हैं और 2018 के इलेक्शन में सख्त मुखालफत करते हैं शेर निशान की और इलेक्शन भी लड़ते हैं। उन्हीं में से चंद एक लोग हैं जिन्होंने ये अफवाह फैलाई। तकरीबन 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की है पंजाब में भी और वफाक में भी, आप क्या समझते हैं जिला जेलम में जो काम तो हुए हैं वो आपसे बेहतर हुए हैं जो साबका मुस्लिम लीग नून में की है? देखिए जी, मैं कोई रवायती सियासतदान नहीं हूँ कि मैं झूठ के ऊपर सियासत करूँ। आप भी जानते हैं, मिर्जा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, साजिद साहब मेरे क्लास फैलो हैं, वो भी आपके सीनियर साफ़ी साथी हैं। मेरे ख्याल आप सबको पता होगा, एक तो मैं बड़ा मीडिया से दूर रहता हूँ, हमारे फैमिली के अंदर चीज़ें बटी हुई हैं। चौधरी लाल हुसैन और राशिद जो हैं वो ज़्यादा मीडिया को डील करते हैं, तो मेरे चंद एक जो दोस्त हैं मैं उनको ज़रूर कभी कभी इंटरव्यू देता हूँ। तो मैं झूठ पे सियासत नहीं करता, मैं सियासत को सुन्नत नबी समझता हूँ, जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के मसाइल को मस्जिद नबी में बैठ के हल किया। तो मैं भी उसी मिशन को ले कर, क्योंकि मैं खुद मजहबी आदमी हूँ, जहादी आदमी हूँ, मैं जहाद की तैयारी में रहता हूँ हर वक्त और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद भी रहेगी। तो ये जो मैं सियासत कर रहा हूँ ये सुन्नत नबी है। जो फवाद साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं समझता हूँ, मेरे हलके में चौधरी फरक साहब तो कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सके, इन्हें जो 66 है 66 जिसे कहते हैं, मगर चौधरी फवाद साहब बड़े प्रोजेक्ट्स पीडी खान के अंदर लेके आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं और जो दीगर जमातों के जो वर्कर हैं उनके जो मिजाज हैं रवैये हैं उनमें बड़ा फ़र्क है, जो मौजूदा हालात बन रहे हैं मुल्क में अफरा तफरी के और लड़ाई झगड़े के, आप क्या समझते हैं इसका कसूरवार कौन है? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल बनी हुई है और जो अदम बर्दाश्त है और ये जो बर्दाश्त नहीं कर रही पीटीआई के वर्कर्स, उनके लीडर्स और जो एक स्नैरियो बनता जा रहा है, ये मुझे खदशा है कि ये अल्लाह ना करे किसी दिन ये रोड्स पे जो है ये खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार कर जाए। और इस सब के पीछे मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब बजाते खुद खड़े हैं और उनकी तरबियत है और उनकी जो एक तरीका या हिकमत अमली जो उन्होंने इख्तियार की है उसका ये एक हिस्सा है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग शामिल हो रहे थे 2010-11 में 12 में, तो उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि जो कप्तान है वो विक्टिम उड़ा रहा है, अब जो लोग उसको छोड़ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये लौटे हैं जी जो हमें छोड़कर दूसरी जमातों में जा रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि इसमें कोई तजाद नहीं है? देखिए जी, बात यह है कि मैं एक बुनियादी सा सवाल है। देखिए, मुझे मेरी पार्टी ने 2 टिकट दिए थे 2018 के इलेक्शन में और उन हालात में मुझे 2 टिकट दिए जब पार्टी मुश्किल हालात में थी और हमारा एक हल्का सूबाई का ख़त्म हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी बड़ी इन्होंने कहा जी कि आप आ जाएँ, मेरे पास भी ऑफर्स थी पीटीआई में जाने की, मगर मैंने अपनी जमात को, अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तरजीह दी और अब भी उनको तरजीह दे रहा हूँ कि मुझे अपनी जमात के साथ खड़ा रहना है। जो लोग किसी पार्टी से MNA मुंतखब हो जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो बगैर किसी वजह के जब पार्टी उनको निकालती नहीं है, वहाँ पार्टी निकाले तो छोड़ जाएं कोई बात नहीं, वो जब छोड़ के बगैर किसी वजह के जाएंगे सिर्फ इकतदार के लालच की खातर, और जब उन्हें ये नज़र आएगा कि हमारे इकतदार की या जिस हुकूमत में हम बैठे हुए उसकी किश्ती डूब रही है, जो उसे छोड़ के जाएगा वो लोटा ही कहलवाएगा, उसे लोटा ही कहा जाता है। आपने एक बड़ी अहम इस तरफ इशारा कर दिया है, तो जो चौधरी फरक अल्ताफ मुस्लिम लीग नून में आए हैं, अगर आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून फरक अल्ताफ को टिकट एक दे देती है और एक टिकट आपको देती है, तो फिर आपका फैसला क्या हो? लेकिन ये बातें कबल अज वक्त हैं। रही बात चौधरी फरक साहब की, मैंने उनको पार्टी में बींग अ वर्कर मैंने उन्हें वेलकम किया है, वो बसियत वर्कर आना चाहते हैं तो वेलकम, क्योंकि पार्टी में कोई भी किसी को रोक नहीं सकता,
इससे पहले आपने देखा बिलाल अदर कैनी साहब थे, उन्होंने पिछले इलेक्शन में मेरी मुखालफत की और पार्टी ने उनको ले लिया क्योंकि उनके वालिद साहब का मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा गहरा तल्लक है, डॉक्टर हैं उनके, तो वो पार्टी में आ गए, पार्टी ने उनको ले लिया, हमने वेलकम किया, बींग ए वर्कर वो आ गए। तो चौधरी फर्रुख साहब भी वर्कर की हैसियत से आते हैं तो आए वेलकम। और रही बात टिकटों की आप कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही बात कहूँगा, ये बातें कबल अज़ वक्त हैं, मुझे इतना पता है, मैं चौधरी फर्रुख साहब की बात नहीं करता। जिस शख्स का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है वो अपने मौसनों को नहीं भूलता, मुश्किल वक्त के साथियों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं छोड़ता, ना उनकी औलाद को छोड़ता है जब तक वो उनके साथ खड़े रहते हैं। NS66 में जब 2018 में आपने इलेक्शन लूज़ किया है तो मैं इसका ज़ाती तौर पर गवाह हूँ कि आपने हलके के तमाम लोगों के साथ अपना रबता रखा है और आपने आज तक हल्के में बहुत मेहनत की है। गोंदा साहब ने जो बात की है टिकट की, अगर आपको किसी वजह से टिकट नहीं मिलता तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा? आप ये समझें कि इलेक्शन आ गए हैं, टिकट की जो वो शुरू हो गई या टिकट देने का काम जो शुरू हो गया, आपको नहीं मिलता तो फिर क्या रद्द अमल होगा आपका? देखिए जी, ये बात टिकट की आपने की, आपने सवाल कर दिया, मैंने पहले कहा कि कबल अज़ वक्त बातें हैं, बाकी आपने जो बात की बिल्कुल मैं इससे तफा करता हूँ कि तमाम का तमाम जो इस वक्त वो क्या कहते हैं, एक जो बैटल फील्ड बना हुआ है NS66, ये एक मैदान सियासी मैदान जंग बना हुआ है कि मेरे सामने बहुत सारे महाज हैं और किसी के सामने नहीं है। मैं बिल्कुल ये दावे के साथ बात कहूँगा, आप भी तस्दीक करेंगे जितने भी साफ़ी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, कि सारे का सारा जो चैलेंज नज़र आ रहा है, आजमाइश नज़र आ रही है, वो चौधरी नदीम खादम को नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात सिंपल सी आपको कहूँगा, पंजाबी में कहते हैं ना कि जड़ा चंगा जड़ा हुआ शरीक उदे चौखे होंगे, मुझे इस बात पर फ़ख्र है, मैं अल्लाह की जात का शुक्र अदा करता हूँ कि ये अल्लाह का करम है मुझ पर कि मेरे सामने बंदे ज़्यादा आए हुए हैं, तो अल्लाह की ज़ात जो है मुझे इस इम्तहान से निकालेगी। रही बात टिकट की, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर मुझे खुद जब टिकटों की तकसीम होगी अगर उनकी चौधरी फर्रुख साहब के साथ कमिटमेंट हुई तो मुझे ये यकीन है कि वो मुझे बुलाएंगे, अगर वो मेरी कुर्बानी लेंगे तो मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने पर अपनी कुर्बानी भी दे सकता हूँ। और बताएँ जी, ये चौधरी नदीम खादम साहब थे, इन्होंने बड़ी बात की है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है डिस्ट्रिक्ट जेलम के लिए कि अगर मियां नवाज शरीफ इनको बिठा कर चौधरी फर्रुख साहब के सामने बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की है, एक जमहूरी लीडर की यही निशानी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।